यहाँ से आधा पवन डेरी से हम बिल्कुल जब अच्छा लगेगा जहाँ पे बढ़िया सा पेंट हो जाएगा। दीक्षा को कोई एक्साइटमेंट नहीं हो रही, फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ डेकोरेट या लाइटिंग सिस्टम मस्त कराएंगे। अब इसका मटर पनीर बनाएंगे, शाही पनीर बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो आज हमने कुछ शुरुआत करी है मीठे से, जो की हमने किटकैट खोली है। तो ये किसने खोली? हमारी प्यारी दीक्षा ने। तो हाँ जी, हेलो, क्या हाल है? बढ़िया। तो किटकैट ऐसे सजा के खा रहे हो आप? हैं किटकैट? तो हम भी कुछ किटकैट खा रहे हैं यार। पहले तो हम एडमिट कार्ड अपना एक डाउनलोड कर लेते हैं। हम कुछ पेपर तो देते ही रहते हैं, अंधे पेपर देते हैं हम। अंधे की पूछो हिम्मत कितने पेपर देते हैं। तो मेरी किटकैट ये रही और दीक्षा ने अपनी खोल ली है और ये एक मेरे पास आने वाली है। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, गजब बेइज्जती। कोई नहीं कोई नहीं, मेरे पे भी है, मैं भी चिड़ा चिड़ा के खाऊंगा। तो पहले किटकैट खाते हैं। मेरे पास हर्शीज की चॉकलेट भी है। मेरे पास भी है। तो बाकी आप दीक्षा के साथ जाएंगे नीचे और टाइल भी दिखाऊंगा दीक्षा को कैसी लग रही है। तो देखते हैं कि दीक्षा को भी टाइल कैसे लगती है। और बढ़िया लग रही है, वैसे मेरे को तो बढ़िया लग रही है मैंने। और आप लोगों को भी दिखाऊंगा, आप लोग भी बताना कि टाइल कैसी लग रही है। आप भी कुछ सजेस्ट कर सकते हो कोई टाइल वगैरह हम लगवाएं, क्योंकि अभी हमने नीचे वाले बाथरूम में लगवाई है, ऊपर का तो सारा काम पेंडिंग है अभी। तो बाकी दीक्षा को लेके चलेंगे और पूछेंगे कि टाइल कैसी लग रही है, ठीक है? मैं मेरी मेल्ट हो रही है, मैं खा लूँ। हाँ, तो पहले दीक्षा मोटू है तो पहले उसको खाने देते हैं, मैं भी खा लेता हूँ, मेरी भी कहीं मेल्ट ना हो जाए, फिर आपको नीचे का दिखाता हूँ। तो गाइस, अब हम आ चुके हैं छत पे। तो छत का काम मुझे इस तरीके का हो चुका है। दीक्षा कहाँ भाग गई? ये यहाँ चुप गई कमरे में मैं ढूंढ रहा, मैंने कहाँ चली गई। तो यहाँ पर अभी बल्लियाँ सेटरिंग होगी कमरे की। तो कमरा आप देख सकते हो, बाकी इतना मस्त कमरा। ये रहा दीक्षा, और यहाँ पर प्लस्तर कुछ हो चुका है, ठीक है, इतना प्लस्तर हो चुका है। ये रहे हमारे मिस्त्री साहब जिन्होंने प्लस्तर किया है। हाँ जी, आप बोलिए जी, क्या हाल है? ठीक है, ठीक है। मजे आ रहे काम करने में इतनी गर्मी में? मजा तो आ रहा है, मजा आ रहा है। चलो, इनको तो गर्मी अच्छी लग रही है, मजा आ रहा है, लेकिन मेरे को तो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। तो दीक्षा को बोलते हैं कि यहाँ का प्लस्तर कैसा लग रहा है, बताओ। बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। क्या हुआ इसमें? क्या यार, छत है, प्लसर है, नॉर्मल है, नॉर्मल लग रहा है। तो मतलब जब बन जाएगा ना तब अच्छा लगेगा। तो दीक्षा को कोई एक्साइटमेंट नहीं हो रही, मेरे को तो चलो तो भी है कि चलो जल्दी जल्दी काम फिनिश हो जाए, फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ डेकोरेट या लाइटिंग सिस्टम मस्त कराएंगे यहाँ। ये जब अच्छा लगेगा जहाँ पे बढ़िया सा पेंट हो जाएगा। तो अभी तो ये प्लस्तर चल रहा है छत का, तो बढ़िया। तो लाओ नीचे चलते हैं, नीचे चल के दिखाते हैं। नीचे इतनी बढ़िया टाइल लगी है ना, जो खतरनाक टाइल लगवा दी हमने बाथरूम में, खतरनाक सी। तो चलते हैं नीचे और टाइल देखते हैं। तो अब हम आ चुके हैं नीचे, तो अब देखते हैं कि नीचे की टाइल यहाँ पे कैसी लगी है। यहाँ पे दीक्षा मेरे से पहले देख रही है टाइल, तो कैसी लग रही है टाइल, ये बताओ पहले। काफी अच्छी लग रही है, अच्छी ब्राउन कलर की, लुक वाइज अच्छा आ रहा है, आई लाइक इट। तो मिस्त्री साहब यहाँ पे लगा रहे हैं टाइलें। तो मिस्त्री साहब कब तक खींच रहे हो काम? ये आपको मिलेंगे परसों। ओहो, तो जल्दी जल्दी खींचो, बढ़िया बता दो, मस्त एकदम टाइल लगा लगा के। तो देख सकते हो अब इस तरीके का लुक आ रहा है यहाँ पे टाइलों का। और देख सकते हो यहाँ पे लगनी अभी बाकी है, ऊपर ये भी लगेंगी, ऊपर तक लगनी है। पहले बाथरूम कितना वैसा था। लेकिन अंकल ने बहुत बढ़िया बाथरूम बनवा दिया, अब टाइल्स भी अच्छे हो गए, देख सकते हो बढ़िया लगी है। इसमें काफ़ी काम कराया, नहीं ये तो सबसे नीचे वाले का है, अभी ऊपर भी होना बाकी है। यहाँ पे टाइलें तो बहुत लगने, अभी फ्लोर टाइल भी लगेगी। उस फ्लोर टाइल लगने के बाद जो लुक आएगा ना, जब दिखाऊंगा मैं आपको यहाँ पे बढ़िया सा, यहाँ पे अब फाइनल होने के बाद ही आऊँगा इस बाथरूम में, अब मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसा लग रहा है। तो बाकी अब देख सकते हो अभी तो कुछ इस तरीके का हाल है यहाँ पे। बैठ जाओ तसले में, मुझे कह रहे थे उस दिन तसले में बैठ जाओ भाई। तो चलते हैं बाकी ऊपर। तो गाइस, अब हम आ चुके हैं पवन डेरी। तो यहाँ पे पवन डेरी का पनीर दीक्षा भी खाती है, तो आपको कैसा लगता है जो मम्मी पनीर बनाती है? बहुत बढ़िया और फ्रेश रहता है, हमेशा मैं मटर पनीर ही बनवाती हूँ ना। हाँ, तो दीक्षा भी मेरी मम्मी से यहाँ से आता है पवन डेरी से, हम बिल्कुल यहीं से। यहाँ पे हमें मिलते हैं आकाश भाई, मिलते हैं। तो क्या हाल है भैया? बढ़िया एकदम। तो मेरे को पहले तो पनीर का राज बताओ कि इतना फ्रेश कैसे रहता है पनीर? डेली आता है। तो भाई साहब आप देख सकते हो कि डेली आता है और कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता कि जैसे कल को अगर रखा हुआ दे दिया या कुछ दे दिया। क्या क्या आता है फ्रेश फ्रेश डेली यहाँ पे? डेली दूध दही पनीर। दूध दही पनीर और क्या क्या रखते हैं? सोया चाप भी रखते हैं। आप देख सकते हो जो चाप खाते हैं रेगुलर चाप लवर हैं वो यहाँ से चाप लेके जा सकते हो। तो भैया पनीर दिखाओ पहले तो आप कैसा है।
पनीर देखता हूँ यार, अब मैं इतना फ्रेश फ्रेश पनीर, आज ही पनीर बनेगा, आज ही आप तो पनीर ही बनवाएंगे आज आप। ये भाई साहब आप देख सकते हो पनीर कितना मस्त पनीर है, अभी भी पैक है पूरा और फ्रेश है, फ्रेश पनीर खोल रहे हैं, देखो हमारे सामने ही खोल रहे हैं, अभी इन्होंने खोला भी नहीं था, तो ये आज ही आया होगा ये वाला पनीर, इतना फ्रेश पनीर है। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा है पनीर। ओ हो अब देख सकते हो कितना वाइट है। तो आपने देख लिया कि पनीर कितना अच्छा है, यहाँ पे बहुत बढ़िया पनीर आता है, हम यहीं से लेके जाते हैं। और बाकी यहाँ पे काफ़ी चीज़ें रखी हुई हैं, यहाँ पे पिज़्ज़ा ब्रेड वगैरह भी रखते हैं, यहाँ पे बाकी ब्रेड वगैरह इस साइड रखते हैं भैया, और आइसक्रीम यहाँ पे दीक्षा का तो आइसक्रीम पे दिल आ गया, पता नहीं क्या कह रही कि आइसक्रीम लेके चलो आज ही खाएंगे, सारी आइसक्रीम यहीं से खाएंगे। तो ये वाली आइसक्रीम कह रही है दीक्षा, ये वाली ले लें, बटर स्कॉच या चॉकलेट ये ले लेते हैं, ये बटर स्कॉच है ना, ये तो बटर स्कॉच लेते हैं। और बाकी वासु को तो ये स्मूथ तो बहुत पसंद है, तो स्मूथ भी मैं यहीं से लेके जाता हूँ। वासु बोल रहा था ना जो एक वीडियो में कि स्मूथ पिला दे, भाई यहाँ से लेके गया था मैं स्मूथ। और बाकी यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं आप देख सकते हो, अभी तो बहुत अच्छा कर रखा है यहाँ पे भैया ने शॉप। तो गाइस हमने भी ले लिया है पनीर जो कि दीक्षा पकड़ के बैठी है यहाँ पे, तो क्या बनवाओगे इस पनीर का पहले ये बताओ। मैं यही पूछने वाली थी, अब इसका मटर पनीर बनाएंगे, शाही पनीर बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे? तो यार मैं ये भी नहीं बोल सकता कि आप लोग कमेंट करके बताओ, क्योंकि जब तक तो हम खा चुके होंगे, है ना? मैं चाहती हूँ मटर पनीर बने, माय फेवरेट। तो एक काम करते हैं कि पहले मटर पनीर बनवा लेते हैं, फिर आएंगे भैया के पास। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि भैया ये क्या रखा है पीछे आपने, ये हुक्की कॉइल वगैरह भी रखनी शुरू करी। ओ भाई साहब अभी रखनी शुरू करी है यहाँ पे, और क्या क्या रखना शुरू करा है इसके साथ? फ्लेवर है, फ्लेवर भी रखने शुरू करे, फॉइल पेपर, मतलब जो आजकल के युवा है ना उनको पूरा खींचने का प्लान कर दिया, यहाँ सब कुछ रखना चालू कर दिया, फ्लेवर वगैरह सब। तो बाकी पनीर ले लिया है, हम भी पनीर लेके चलते हैं घर और बनवाएंगे मम्मी से कुछ, कल बनवाते हैं या आज बनवाते हैं देखते हैं, मस्त सी सब्जी बनवाएंगे मम्मी से और खाएंगे।